are trying to forget all the fun we used to have. Even though I'm better and time has passed, now I wonder where your mind's at. In my dreams I pick you up, I just wanna make it right. I know all about your troubles, wanna drown into your eyes and feel your blue. भाई लोकल हो आप यहाँ के? इस नदी का नाम क्या है? कौन सी नहर? शक्ति। कितनी गहरी होगी ये? 40 फुट? 45। तैरना आता है आप लोगों को? हाय गाइस, वेलकम टू ट्रिपिंग विद वरुण। तो सीन आज का ये है कि आज हम मैं जा रहा हूँ एक बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन पे, और जगह का नाम है आसन बैराज। ये उत्तराखंड और हिमाचल के बॉर्डर पे पड़ती है जगह। और टाइम हो रहा है अभी 2:15, तो मैं ऑलमोस्ट पहुँच चुका हूँ वहाँ पर। इट्स अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 kilometers नाउ। तो वहाँ पहुँचकर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस टाइप की जगह है और आप क्या क्या कर सकते हो वहाँ पे। देहरादून से जो है 40 kilometers का डिस्टेंस है आसन बैराज का, और 1 घंटे की ड्राइव है। फाइनली आई हैव रीच्ड आसन बैराज एंड दीज आर द बोट्स। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम will enjoy the boat ride. It's a paddle boat. So ticket लेते हैं और चलते हैं। बाहर तो 300 रुपये लिखा हुआ रेट। हाँ तो 300 तो बोला, क्या बोला? वो 320 कह रहे थे। एंट्री है 20 रुपये एक आदमी। हाँ 20 रुपये एक आदमी का एंट्री है पहले अंदर आने का। अच्छा जी हाँ, तो 320 ही पड़ेगा। ठीक है जी सर। क्या नाम है भैया आपका? हुकम सिंह। हुकम सिंह जी सर, 180 अभी देता हूँ मैं आपको, बोटिंग कर पाएंगे। ठीक है, कौन सी वाली दे रहे हो बतक? अरे पिंक बतक मत दो भैया, वाइट वाली बतक दो। हाँ वाइट बतक दो। चलो तो गाइस, बोट राइड हो चुकी है शुरू बतक पे। ये रहा इसका स्टीयरिंग, राइट लेफ्ट। इट्स अ पैडल बोट, आज लेग्स हो जाएगी बहुत बढ़िया वाली। हाय गाइस, तो फाइनली आई एम इन दिस बोट राइट नाउ। इस बतख में बैठ चुका हूँ मैं, और काफ़ी दिनों बाद बोट राइड करी है मैंने, तो आई एम एक्चुअली एंजॉयिंग इट। इट्स क्वाइट फन, बट सिंस इट्स अ पैडल बोट तो इट विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ एनर्जी, एंड आई एम अलोन। अकेले तो चलाना है इसको इज क्वाइट डिफिकल्ट। आगे बैरिकेड आ गया है, मोड़नी पड़ेगी यहाँ से, बैक पड़ेगा। और भी बोट्स हैं यहाँ पे, एक बोट और है। कितना? बढ़िया। वीडियो का चक्कर में बोट जो है गलत चलेगी भाई, गलत चलेगी बतख। थोड़ा बीच पर लेके जाऊंगा, बैक करना बड़ा मुश्किल है इसको। तो अभी मैं आ गया हूँ बीच में बिल्कुल, और
ले लिया है मैंने ब्रेक, अभी आराम से थोड़ी देर बैठ के थोड़ी सनलाइट एंजॉय करो और रिलैक्स करो थोड़ी देर. आई नीड टू कैच अप माई ब्रेथ. तो इट्स मूविंग ऑन इट्स ओन नाउ अ लिटिल बिट. सो गाइज, ये जो जगह है आसन बैराज, ये देहरादून से अप्रॉक्सीमेटली है 40 किलोमीटर्स, और अगर आप गाड़ी से या बाइक से आ रहे हो तो आपको अप्रॉक्सीमेटली एक घंटा लगेगा यहाँ पहुँचने में. तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको यहाँ की, यहाँ पे आप क्या क्या कर सकते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल आओ बोटिंग कर लो यहाँ पे. सबसे पहले आधे घंटे की बोटिंग है और 300 रुपये बोट का चार्ज है. तो अगर आप चार बंदे, वैसे तो चार बंदे की कैपेसिटी है इस बोट की, बट आई एम एक्चुअली राइडिंग दिस बोट अलोन. तो अगर एक भी आओगे तो भी पूरे पैसे देने पड़ेंगे, ऐसा नहीं कि आपको एक बंदे के हिसाब से देने पड़ेंगे. और बोट राइड यहाँ आप इंजॉय कर सकते हो. इट्स क्वाइट पीसफुल और देहरादून से ज़्यादा दूर नहीं है, 40 किलोमीटर का रास्ता है. दिल्ली से भी या बाहर से भी कई लोग देहरादून वगैरह आते हैं. एंड इफ़ यू वॉन्ट टू गो आउट फॉर अ डे पिकनिक, तो इट्स अ नाइस प्लेस. इट्स अ बर्ड सेंचुरी एज वेल. तो यहाँ पे काफ़ी बाहर से जो है बर्ड्स वगैरह आती हैं, माइग्रेट करती हैं. और बेस्ट सीज़न जो है यहाँ पे आने का वो है बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर, एंड फ्रॉम मार्च 15th अनटिल अप्रैल एंड. तो ये बेस्ट सीज़न है अगर किसी को यहाँ पर आना हो, और अगर आपने बर्ड वॉचिंग इंजॉय करनी हो और बोट राइड करनी हो, थोड़ा पीसफुल एनवायरनमेंट चाहिए. एंड इफ़ यू वांट टू कम ऑन अ रोमांटिक डेट, तो आप अपनी बर्ड को भी ला सकते हो और यहाँ पे बर्ड वॉचिंग भी कर सकते हो. आई एम एक्चुअली इंजॉइंग इट. और ये उत्तराखंड और हिमाचल के बॉर्डर पे है जगह, डाक पत्थर से 3-4 किलोमीटर पहले है. एंड गुरुद्वारा पौंटा साहब भी यहीं पास में ही है, काफ़ी लोगों को पता होगा पौंटा साहब गुरुद्वारा, तो वो भी पास में ही है यहाँ से. आई एम नॉट श्योर इफ आई वुड बी एबल टू मेक इट देयर बिकॉज इट्स ऑलरेडी 3 o'clock एंड आई हैव टू लीव एज वेल बिकॉज आई हैव गॉट सम इम्पॉर्टेंट वर्क टू डू इन द इवनिंग. सो आई हैव टू मेक श्योर दैट आई लीव ऑन टाइम. बट येस, आई ट्राई टू कवर एज मच एज पॉसिबल. एंड अभी यहाँ पे बोट राइड इंजॉय करते हैं, एंड उसके बाद आगे जाके थोड़ा एक एरिया है वहाँ पे बर्ड वॉचिंग होती है वहाँ से. तो लेट्स सी इफ यू कैन, यू नो, इफ यू कैन विटनेस सम ब्यूटीफुल बर्ड्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि काफ़ी कंट्रीज से यहाँ पे बर्ड्स माइग्रेट होती हैं, स्पेशली फ्रॉम यूरेशिया. सामने एक पिंक बतख है. बात करते हैं ज़रा पिंक बतख वालों से. पाजी बैठ रखे उसके अंदर एक फैमिली के साथ. सो लेट्स सी वेयर दे आर फ्रॉम. हाँ जी, कहाँ से हो आप? पौंटा साहब से हो? क्या नाम है बेटा आपका? अमनदीप सिंह. अमनदीप सिंह, पहली बार आए हो यहाँ पे? क्या आते रहते हो? नहीं, पहली बार आए. अच्छा, फैमिली आपकी पूरी है. आपका क्या नाम है भैया? ऋषिपाल सिंह. ये दोनों बच्चे हैं आपके? ठीक है, ठीक है जी. तो अभी आप ऋषिपाल जी से मिले पौंटा साहब से, और बोटिंग चल रही है उनकी पूरी फैमिली के साथ. तो एक लास्ट राउंड मारते हैं बोट का, और उसके बाद चलता हूँ मैं आगे बर्ड वॉचिंग वाली जगह पे. एंड आई विल सी इफ आई कैन फाइंड सम बर्ड्स ओवर देयर. और बहुत गर्मी हो चुकी है बीच में ना, ऊपर से लाइफ जैकेट, तो काफ़ी सफोकेशन हो गई है. और आई एम गोइंग टू रिलैक्स एयर फॉर सम टाइम. आई विल टेक अ ब्रीदर, और उसके बाद आगे से थोड़ा सा यू टर्न मार के बोट करेंगे, बतख को करेंगे वापस, और उसके बाद चलेंगे थोड़ी आगे की तरफ जहाँ पे बर्ड्स दिख सकती हैं हमारे को. सो इट्स अ नाइस प्लेस. मैं पहली बार ही आया हूँ यहाँ पे एंड आई लाइक इट. एनर्जी चाहिए, अब तो एनर्जी थोड़ी सी है. मेरे बैग में संतरा पड़ा है ऑरेंज, बट यहाँ पे बाहर लिखा हुआ था कि आप कुछ भी अगर सामान ले जाओगे साथ में तो आपको फाइन लगेगा. आई डोंट वॉन्ट टू टेक एनी रिस्क.
यहाँ से बोटिंग करके निकलूँगा ना तो आई विल ईट दैट ऑरेंज, थोड़ी एनर्जी आएगी, उसके बाद आगे की अपना जर्नी स्टार्ट करूँगा और दिखाऊँगा आपको भी कि आगे हमारे को क्या मिलता है। और तो एक चक्कर आगे तक मार के आता हूँ, ज़रा आगे तक एक गेड़ी मार के आते हैं। तीन बोट्स चल रही हैं अभी यहाँ पे, दो पिंक बतख है एक वाइट बतख है। ऋषिपाल जी की बोट आ गई है। हाँ जी मजा आ रहा है। इट्स 319। तो बस अगले 10-15 मिनट में निकलता हूँ मैं यहाँ से, उसके बाद देखता हूँ दूसरी जगह जाके। बिकॉज अगर आपको बर्ड्स वॉच करनी है तो उसका टाइमिंग्स भी है जहाँ पर आपको पॉसिबिलिटी होगी कि आपको मैक्सिमम जो है डिफरेंट कैटेगरीज की बर्ड्स दिख सकती हैं आपको, एंड दैट इज़ फ्रॉम 8 AM इन द मॉर्निंग अंटिल 6 PM इन द इवनिंग। उसके बाद जाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। डांट पिट रही, इसको डांट पिट रही है। क्या हुआ, डांट पिट रही है? डांट रहे पापा, डांट रहे। मेरी बोट में बैठना है क्या? बैठना है, आजा आजा, मेरे लिए मेरे को भी थोड़ा आराम मिल जाएगा भाई, आजा मुझे भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। कम रुक जाओ, अभी रुक जाओ, एक मिनट रुको एक मिनट, इसको खींच लो थोड़ा सा, बस आजा आजा। हरदीप सिंह, अमनदीप सिंह आजा भाई, बैठ जा, चला चला भाई, चला चला चला, जुत्ती पहन के चला तू, बढ़िया चला चला सनी देओल। मैं निकला गड्डी लेके आपका नाम क्या है बेटा? प्रभजोत कौर। मजा आ रहा है आपको? छुट्टी है स्कूल की? कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? फोर्थ में। पैर से चला पप्पे, पैर पहुंच नहीं रहे इसके, गिर मत, वहां मत गिर जाइए भाई, नदी में मत गिर जाइए भाई, इधर तो देख ले कैमरे में, हेलो कर दे, हेलो। चलो भाई, अमरदीप सिंह जी चला रहे हैं पैडल बोट, पैर नहीं पहुंच रहे इनकी, जुतियाँ इनकी हवा में झूल रही है। दांत का क्या, तेरे दिखा के तो सूट पहन के आए बोटिंग करने आज, बढ़िया। लेकिन भाई ने जो है पूरा दिमाग लगा के अपना चला लिया इसने। जा रही थे। हाँ? कोई बात नहीं, चक्कर मार कर आते हैं। आगे तक कहाँ रहते हो? बड़े गुरुद्वारे। कहाँ पे? पौंटा साहब में। मुझे ले जा अपने घर, ले जा, खाना पुना खिला दियो। चलो चलो, क्या तुम तो घूम रहे हो, खाना किसने बनाया होगा आज घर पे? खाना किसने बनाया आज घर पे? मम्मी ने बनाया। मम्मी तो यहाँ पर है, खाना किसने बनाया? दीदी ने बनाया, बड़ी दीदी है घर पे। अच्छा, बड़ी दीदी है घर पे। बंद हो गया आपका कैमरा? बंद नहीं हुआ वो, फिल्टर लाइट, बस लाइट ऑफ। तो ये अमरदीप सिंह जी जो है फ्रॉम पौंटा साहब, ये अपने पापा से जिद कर रहे थे कि इनको मेरी बोट में आना है ना, और फाइनली अमरदीप सिंह जी की ख्वाहिश पूरी हो गई है। पापा ने डांटा भी था ना, बट ही इज़ वेरी क्यूट, दांत नहीं है इसके ऊपर के दो तीन, बट वेरी स्वीट। ये भी जाने वाले हैं, थक गया बेचारा, पैर नहीं पहुँचे इसके, लेकिन इसने मेहनत पूरी करी है बोट चलाने में। तो चलें अमरदीप सिंह जी, चलें, लगा छोटे भगत सिंह जान, लगा जान नहीं लगा रहा है। सूट कहाँ से लाए? सूट जब सूट वहाँ से लाए थे मार्केट से। अच्छा, मार्केट से नहीं, बहुत पुराना रखा है, जब इसका छोटा, जब ये छोटा था ना, तब इसके आ नहीं रहा था। ये किसका है? फिर ये इसका ही है, ये बड़ा हो गया तब पैर है। अच्छा, पहले बड़ा था इसके ऊपर? हाँ। अच्छा, लग तो अभी भी बड़ा रहा है। हाँ। देखा साइज, देखा फिट आ रहा तेरे को अभी? ये
चलो गाइस बोट चलाओ, थक गया मैं तो। मैं तो थोड़ा रेस्ट करूंगा भाई, अब चलो चलो वहाँ चलो, कोई बात जहाँ ले जाना जाओ यार, कोई दिक्कत नहीं है। तू ले जा भाई, तू ले जा, गड्डी मोड़ ले भाई जहाँ तेरा मन करे, चला तेरे हाथ में स्टीयरिंग है, चला चला का के चला। अमर अमनदीप है कि अमरदीप है? अमनदीप, ठीक सॉरी अमनदीप। आ गया बस ना, फंस जाएगी भाई, यहाँ फंस जाएगी, मोड़ लो यहाँ से, यूटर्न मार भाई। थक गया क्या, पेट्रोल खत्म हो गया तेरा? तूने काजल भी लगाया आँखों में अपनी, हाँ देखा इस पानी से ना गंज की तरह दिखे। चले ये चक्कर काटते हैं, और चक्कर काटते चलने काटने तो चला भाई, अभी टाइम है वरना तो फिर बाद में नहीं होगा। चला चला भाई चला, प्रभुत के इसका मन नहीं है प्रभुत के जाने का। इधर आ, चला चला तू चला भाई, तू चला, इतनी देर से तू ही तो चला रहा है, सारी मेहनत तूने ही करी है भाई। भाई स्टीयरिंग मुझे दे दे, तू बस अपना जूतियों का कमाल दिखा, तू ही है हीरो आज का, कर दे बाय बाय कर दे जिसको कर रहा है। भाई गलत ले जा रहा है, गलत इधर मोड़, लेफ्ट में मोड़। चिड़िया देखे तूने, पंछी देखे? पंछी कहाँ पे देखे? अभी यहाँ तो है ही नहीं, उधर है दूसरी साइड है पंछी तो। हाँ। देखे तूने पंछी? लेफ्ट में रख, बढ़िया। बुला लिया भाजी, ले चलो गड्डी तू चला। तेरे पैर दिखा कहाँ तक पहुँचते हैं। गाइस देख लो इसका तरीका, देख लो चलाने का, चला चला चला, गिर मत जाइयो भाई, गिर मत जाइयो, तेरा तो सूट सारा गंदा हो गया, मिट्टी मिट्टी हो गया सूट तेरा, टक्सीडो मिट्टी मिट्टी हो गया तेरा सूट सारा। भाई तू गिर मत जाइयो, मुझे डर डर लग रहा है तेरे से ना, तू बहुत ज़्यादा उस पर प्रेशर डाल रहा है, पता है कि पैडल ने बैक मारी और तू उछलता गया सीधा पानी के अंदर। चलो गाइस लेट्स गो, रुक जा बेटा, अभी रुक जा, ठंड रख थोड़ी, ठंड रख ताकि बतख को पार करते फिर उतरियो। बेटा हो गया आधा घंटा, ज़्यादा हो गया, बल्कि अंकल खड़े हैं भैया लेके डंडा। हाँ जी हुकुम जी, क्या हो गया? हाथ अंदर कर लो बेटा, आ जा अमनदीप, इधर से आ, उधर से आ पहले, इधर से बाय। यहाँ पे इनका किचन ऑफिस है, कैंटीन भी है यहाँ पे, इफ यू वांट टू ईट समथिंग। बर्ड वॉचिंग यहीं से होती है क्या? मुझे तो दिख नहीं रही बर्ड यहाँ पे, आपको दिखी कोई बर्ड? वो उधर है, किस साइड? वो सामने आ गया है रिजर्व। तो बोटिंग हो गई है, अब जा रहा हूँ मैं आगे थोड़ी बर्ड वॉचिंग के लिए। मेरे साथ तो कोई बर्ड है नहीं, तो यही बर्ड्स देख लेते हैं। आपके पास कोई बर्ड हो तो लिया ना, साथ में बर्ड वॉचिंग कर लेना आप। ये तो कहाँ पहुँच गया मैं, देखते हैं भाई कोई बर्ड्स दिखती हैं कि नहीं दिखती, बोला तो यही है ताकि देखते हैं।
जंगल सा लग रहा है तो। एक चिड़िया देखी वो जा रही है। यहाँ पर कहते हैं बर्ड्स आती हैं इधर, बट फिलहाल तो मुझे कुछ दिखती नहीं है। तो अब मैं थोड़ा आगे आ गया हूँ जंगल की तरफ, तो बर्ड्स तो अभी यहाँ पे है नहीं। जो सीज़न है वो है मिड अक्टूबर एंटिल दिसंबर, तो अभी तो है नहीं। बट हाँ, अंकल ने मुझे बताया कि नेक्स्ट मंथ तक जो है काफ़ी सारी बर्ड्स होंगी यहाँ पे। सो इट्स 4 o'clock राइट नाउ, तो यहाँ देखते हैं, थोड़ी देर रुकते हैं यहाँ पे। देख थोड़ी बहुत तो है अभी भी फिलहाल, उधर की साइड उड़ रही है। कौवे ज़्यादा दिख रहे हैं यहाँ पे। ये है भाई कोई पड़ो। यहाँ खड़ा होना पड़ेगा काफ़ी देर, तो ही आपको जो है बर्ड्स दिखेंगे। क्या है ऊपर से आवाज़ आ रही है? हाँ भाई, क्या हो गया, कोई दिक्कत है क्या? ये आगे पूरा जंगल है, थोड़ी आगे चलता हूँ, देखता हूँ क्या सीन है। होपफुली बाय नेक्स्ट मंथ काफ़ी बर्ड्स होंगी यहाँ पे।
So it's 4:15 now. तो गेट लॉक हो गया. गेट किसने लॉक कर दिया भाई? भैया गेट ही लॉक कर दिया. तो थैंक यू भाई. गेट पे ताला लगा दिया उन्होंने, बंद कर दिया मुझे इन्होंने. इसके अंदर जंगल के अंदर जानवर ना आ जाए ऐसे. कोई जंगल है पूरा, इधर पूरा जंगल है ये. थैंक यू भैया. आगे चले गए यार. भैया आपने ताला लगा दिया यार. कितने बजे ताला लगाया था आपने? ये वाला सिर्फ बर्ड्स देखने वालों के लिए भाई जी. हाँ ये जो पक्षी देखने वाले आते हैं ना. हाँ? सिर्फ उन्हीं के लिए. ये पक्षी तो मुझे दिखे नहीं ज्यादा. अभी आएंगे, नजदीक आएंगे. बायनाकुलर होता है उसका. अच्छा. हाँ जी. और आगे से भी कहीं से होती है बर्ड वॉचिंग? आगे से ये पुल क्रॉस करके सर, मतलब मेन रोड से जाना पड़ेगा. ठीक है. कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से जाएंगे ज़्यादा ज़्यादा 1 किलोमीटर. अच्छा, वहाँ से भी हो जाएंगी. ठीक है, थैंक यू. और ये क्या है भैया? ये कॉटेजेस है रेंट पे. क्या रेंट है इसका यहाँ पे? 2800 रुपये. तो अभी बुकड है सारा है कि खाली है? खाली है. रेस्टोरेंट? अच्छा. ओहो ये रेस्टोरेंट है. दिस इज द रेस्टोरेंट. एक कॉफी लगवा दो. वाओ दीज आर द कॉटेजेस. यू कैन ऑल्सो स्टे हियर इफ यू वॉन्ट. हेलो. हाँ भाई. नहीं भाई अभी तो वहीं हूँ. हाँ अरे नहीं यार, बर्ड वॉचिंग कर रहा था. सो इफ यू वॉन्ट टू स्टे हेयर एट दिस प्लेस, सो दे ऑल्सो हैव कॉटेजेस एज वेल. लुक एट देम, इट्स ब्यूटिफुल. कौन सा चैनल है भाई अपना? भाई यूट्यूब पे. कौन सा चैनल है, किस नाम से? ट्रिप इन विद वरुण. नाइस फॉर फैमिलीज एंड कपल्स. ठीक है भैया आ गया. माय कॉफी इज रेडी. आई एम गोइंग टू एंजॉय कॉफी एंड देन आई एम गोइंग टू लीव बिकॉज इट्स ऑलरेडी 426. कहाँ है भैया? कॉफ़ी में रख दी भाई? ठीक है. सो आई एम गोइंग टू एंजॉय माई कॉफ़ी वहाँ पर बैठ के. Okay, we're going to go.
गाइस दिस इज आसन, ये आसन नहर है, दिस इज द आसन रिवर, और जहाँ अभी मैं गया था वो था आसन बैराज जहाँ पे बोटिंग वगैरह हुई होती है। कितने फीट होगी भैया ये? 40 फीट? ना 40 नहीं है। फिर 15-20 फीट होगी। आप ये पावर हाउस में काम करते हो? क्या नाम है आपका? नागेंद्र सिंह। नागेंद्र सिंह, ठीक है भैया, थैंक यू। बर्ड्स तो आज हमें दिखे नहीं ज़्यादा, बट इट वॉज़ क्वाइट फन। काफ़ी दिनों के बाद आई डिड अ बोट राइड एंड इट वॉज़ नाइस। तो गाइज़, अगर आप लोगों को भी यहाँ आना हो, अगर आपको लोकेशन अच्छी लगी हो और जगह अगर आपको अच्छी लगी हो, एंड इफ़ यू वॉन्ट टू कम हेयर विद योर फैमिली और इफ़ यू वॉन्ट कम विद योर पार्टनर, तो यू कैन कम टू दिस प्लेस। इट्स क्वाइट पीसफुल, क्वाइट रिलैक्सिंग, एंड यू कैन स्पेंड लाइक अ कपल ऑफ आवर्स हेयर। तो काफ़ी मज़ा आया। इट्स ऑलमोस्ट 5 o'clock नाउ। डाक पत्थर से 4-5 kilometers पहले पड़ती है जगह, एंड इट्स फेमस फॉर बोटिंग एंड बर्ड वॉचिंग। तो बोटिंग तो हमने इंजॉय कर लिया आज, एंड इट वॉज क्वाइट फन, बट व्हेन इट कम्स टू बर्ड वॉचिंग इट वॉज नॉट अ लकी डे फॉर मी व्हेन इट कम्स टू बर्ड्स। तो काफ़ी बर्ड्स तो नहीं दिखी, थोड़ी बहुत बर्ड्स दिखी हैं, और जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि काफ़ी सारे ज़्यादा बर्ड्स होंगी, तो वो चीज़ मुझे जो है नहीं दिखी। बट हाँ, होपफुली बाय नेक्स्ट मंथ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बर्ड्स माइग्रेट हो जाएंगे डिफरेंट कंट्रीज से, एंड स्पेशली फ्रॉम यूरेशिया। सो बेस्ट टाइम जो है वो अक्टूबर मिड से लेके दिसंबर तक और मार्च मिड से लेके अप्रैल एंड तक है। बंदरों की भीड़ आ गई भाई। तो मेरे पास 2 संतरे हैं, मैं दे सकता हूँ, दे कर एंजॉय। ये ले 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 बेटा ले, ये ले, तू भी ले। ख़त्म हो गया, ख़त्म। शेयर कर लो। क्या खाना? वो खाना कुछ नहीं है भाई, संतरे से 2 दे दिए उनको। लाइन से बैठ गए हैं, मेरे पास 2 ही संतरे थे और वो दे दिए मैंने उनको। छिल लिया भाई उसने संतरा। तो देख लो भाई, इनकी पूरी फैमिली है, तो इनकी संतरा पार्टी हो गई है। एक एक पीस तो मिल गया होगा। पीठ पे बैठ गए भाई। काला नमक भी है मेरे पास, चाट मसाला भी है। तू चलेगा भाई? तो गाइस देख लिया वो आपने, एकदम से जो है मंकीज आ गए थे। तो संतरे थे मेरे पास, दे दिए मैंने उनको। आई कैन ईट समथिंग एल्स। तो इनकी किस्मत क्या थे, इनको मिल गए। दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम। तो हमें थोड़ी बहुत जिस भी तरीके से हम एनिमल्स की हेल्प कर सकते हैं हमें करनी चाहिए, और अच्छी बात है क्योंकि एनिमल्स को हम लोग सपोर्ट करेंगे तो ही उनका भी पेट भरा रहेगा, एंड इट फील्स गुड एज़ वेल। आप किसी भी जानवर को कुछ खिलाओगे या किसी भी नीडी बंदे की अगर आप कोई हेल्प करोगे, थोड़ी सी भी चाहे करो, ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी को 1 lakh rupees देने हैं, बट हाँ किसी भी सूरत में और कितनी भी अपनी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से आप थोड़ी बहुत भी अगर हेल्प करोगे तो आपको खुद को भी काफ़ी अच्छा महसूस होगा। इट फील्स गुड, रात को नींद अच्छी आएगी। तो वो संतरे जो थे वो मैं अपने खाने के लिए लाया था, एंड अभी मैं बस निकल रहा था तो आई जस्ट वॉन्टेड टू ईट दम बिकॉज मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, एंड आई वॉन्टेड टू गेन सम एनर्जी। बट वो इनकी किस्मत के थे और इन तक पहुँच गए, तो कोई बात नहीं। एंड अगर गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लोकेशन अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड इट्स टाइम टू लीव नाउ, और जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ नई लोकेशन पे। अंटिल देन टेक केयर एंड बाय। प्रसाद है वीरवार का भंडारा है बेटे बाबा का यहाँ। ठीक है जी, दे दो मालिक कारोबार हो थोड़ा सा धोबल तक चला गया बस बस परिवार में तरक्की दे वीर बाबा। ठीक है, थैंक यू।
हमारी जलेबी बन गई। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जमीर खान, जमीर खान। अच्छा ठीक है, थैंक यू अंकल। बाबा पीर बाबा का प्रसाद है? ठीक है जी, थैंक यू। बेटे भंडारा वीरवार का जो श्रद्धा हो सके, मालिक तेरे कारोबार में परिवार में करके दे। जो बाबा आवाज भी कच करता है, सब कैच करता है। बाबा पाँच नारे पंजतन के एक नारे हैदरी अली बाबा, इसकी मदद करना वीर बाबा। थैंक यू। Peacefully, but have you ever thought about you? Don't know.